नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। औरंगाबाद में ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए भव्य कार्यक्रम, संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका बी के संतोष हुई शामिल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एवं नर्सेस के लिए 3 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर, मेडिटेशन को तन व मन के लिए बताया मेडिसिन। ब्रह्म कुमारी के कई सेवा केंद्रों पर बच्चों के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविर, मेडिटेशन द्वारा मेमोरी और एकाग्रता शक्ति बढ़ाने का दिया प्रशिक्षण। और यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में ब्रह्म कुमारी द्वारा स्पिरिचुअल सर्विस के हुए 25 साल पूरे, डी के डॉक्टर जना को मिली देश भर से बधाइयां। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका बी के संतोष और नासिक सेवा केंद्र की प्रभारी बी के वासंती, औरंगाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बी के शीला, पुणे के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बी के दशरथ मुख्य रूप से शामिल हुए और अपना मार्गदर्शन दिया। जब हम एक दूसरे से मिलते और नजदीक में आते हैं तो एक दो को रूहानी स्नेह देते हैं, नेत्रों के द्वारा, मुख के द्वारा, बोल के द्वारा। तो बाबा ने इसीलिए ये ऐसा संगठन बनाया कि एक दो को आप अपनी लाइट और माइट दे करके जो कमजोर आत्माएं हैं उनको भी शक्तिशाली बनाई। ड्रामा के एक्टर है तो फिर बाहर के कोई भी बातों को हमें सोचना नहीं है। जो मुझे पार्ट मिला है स्टेज पर वो ये बचाना है, दूसरी बातों के तरफ हमारी बुद्धि व हमारा मन जाना नहीं चाहिए। ये हमेशा एक्टर के ध्यान में रहेगा। एमजीएम कॉम्प्लेक्स के रुक्मणी हॉल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में औरंगाबाद और आसपास के जिलों की बी के बहनें उपस्थित रहीं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एवं नर्सेस के लिए आयोजित 3 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर का शुभारंभ अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दर्शना घोंडे, आरएमओसी की पीआरओ डॉक्टर सोनाली बांगर, प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश गायकवाड़, नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शरद खटके, डॉक्टर सुधा कांकरिया समेत कई चिकित्सकों ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में शुभारंभ के पश्चात साइबन में मधुबन बी के पाठशाला की संचालिका बी के डॉक्टर सुधा कांकरिया ने प्रोजेक्टर द्वारा समझाने का प्रयास किया कि मेडिटेशन तन और मन के लिए मेडिसिन है। साथ ही मेडिटेशन द्वारा संस्कार परिवर्तन की जानकारी देते हुए सभी डॉक्टर्स और नर्सेस को राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण कराया। ऐसे दिल्ली के मशहूर जीटीबी हॉस्पिटल में माय इंडिया हेल्दी इंडिया अभियान के तहत दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र द्वारा कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर एस गिरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बी के इंदिरा समेत अन्य बी के बहनों ने वर्तमान समय में दया एवं करुणा के भाव को जागृत रखना बहुत जरूरी बताया। साथ ही कार्य क्षेत्र में तनाव और भय मुक्त रहने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने का सुझाव दिया और मेडिकल डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट नर्सेस का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सरकार में पूर्व सीएमओ डॉक्टर संध्या भी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। अमृतसर स्थित डॉक्टर विद्यासागर मेंटल हॉस्पिटल एवं कॉलेज में ब्रह्म कुमारीज लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा स्पिरिचुअल सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित लगभग 400 मेडिकल स्टूडेंट्स को अमृतसर सेवा केंद्र से जुड़ी डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने स्पिरिचुअलिटी और मेडिकल एजुकेशन में समानताएं बताई। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बी के पवन ने बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों की उपयोगिता समझाई। इसके अलावा बी के सुनीता ने राजयोग मेडिटेशन का अनुभव कराया।
ऐसे खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी वर्कशॉप आयोजित हुई। तो कैसे लगा भाई जी? बढ़िया लगा जी, थोड़ी मन में शांति मिली, बंदे वधिया लगता सुन के, कदी कदी सुनने को मिलता है तो रोज कितने मिलता सुनने भी। कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा गुरुग्राम में एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मकुमारी संस्था से जुड़े बीके सुरेंद्र को बिजनेस मैनेजमेंट में डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें अवार्ड कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रिपु रंजन सिन्हा ने प्रदान किया। बीके सुरेंद्र 28 वर्षों से ब्रह्मकुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। जून मास में ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्रों पर बच्चों के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविरों का आयोजन लगातार हो रहा है। हमारी अगली खबर इसी से जुड़ी है। बच्चों की स्कूल से छुट्टी तो रोज होती है, लेकिन वही छुट्टी छुट्टियों में बदल जाए तो बच्चों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। स्कूली किताबों से बोर हो चुके बच्चे कुछ नया पढ़ना, जानना और सीखना चाहते हैं। उनकी इसी लालसा को पूरा करने का सबसे बढ़िया जरिया है समर कैंप, जिसमें बच्चे वो कर पाते हैं जो असल में वो करना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर, जहां बच्चों के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए खेल, डांस और कला प्रतियोगिताओं आयोजित करने के साथ साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी गई। इसके अलावा मेमोरी पावर और एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण भी दिया गया। चलिए आपको दिखाते हैं ऐसे ही कार्यक्रमों की कुछ खास झलकियां। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर उमंग नाम का समर कैंप लगाया गया, जिसमें शहर के कमिश्नर G.R. चुरेंद्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, हस्तशिल्प बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह मेजर, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश सिंह देव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया। ये पूरा शिविर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या के मार्गदर्शन में आयोजित रहा, जिसमें उन्होंने बच्चों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी। ऐसे ही मध्य प्रदेश के बैतूल, छत्तीसगढ़ के धमतरी और कोरबा, मुंबई के धनकुरवाड़ी, कोलकाता के कोलकाता म्यूजियम और तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी इसी तरह से समर कैंप्स का आयोजन किया गया, जिनकी एक एक करके तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी क्रम में देखिए गुजरात के सूरत, राजकोट के वडोदरा, मध्य प्रदेश के जबलपुर, रतलाम और नरसिंहपुर, राजस्थान के जोधपुर, बिहार के गया, छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़, मुंबई के मीरा रोड, वेस्ट बंगाल के खड़गपुर, पंजाब के पटियाला और गुरुग्राम के साउथ सिटी सेवा केंद्र की तस्वीरें, जहां खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया अभियान के तहत बाल व्यक्तित्व विकास शिविरों का आयोजन हुआ।
अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में ब्रह्म कुमारीज द्वारा स्पिरिचुअल सेवाओं को करते हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। इसी खुशी के मौके पर मेडिटेशन म्यूजियम के डायरेक्टर बीके जना ने ऑनलाइन प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी, सीनियर सिस्टर कला बीके डॉली समेत कई सीनियर सिस्टर्स और सीनियर ब्रदर्स जुड़े और अपनी शुभकामना संदेश दिए। It's very, very subtle thing to understand, but how Baba is making soul from 0 degree to 16 degrees perfect, completely full of vices to completely viceless, no virtues, making us all virtuous. I wish you to have nothing but the best, continued success and progress and creativity and divine savor as you continue to serve. I just want to say congratulations. 25 years is amazing. I remember walking into the little white house. 25 years for Washington, D.C. Not only is it Washington, D.C., but the capital of the United States, heart of the United States. The center is in the heart, and the center is the heart. And I think the whole Yajna is very proud of all of you. A happy jubilee, a happy jubilee, a great jubilee. 25 साल पहले इस स्थान से ईश्वरी सेवाओं का शुभारंभ ब्रह्म कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी, राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के हस्त कमलों से हुआ था। उसके बाद यहां से ईश्वरी सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ। Over 2,500 events, 17 city and nationwide initiatives, 21 awards, 2 meditation museums have served youths, senior citizens, entrepreneurs, scientists, authors, women, interfaith, the disabled, environment, small businesses, arts seekers, and even leaders. Millions of lives have been served, either through social media, the popular America Meditating Radio Show, or through exhibitions, lectures, partnerships, and programs held in the meditation museums and centers. इस ऑनलाइन कार्यक्रम के पश्चात सभी ने मिलकर प्लांटेशन किया। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।